हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ भी आपको क्या निकालना है, डायरेक्टली इंटरवल निकालना है। फर्स्ट केस देखेंगे, एफ एक्स कितना गिवेन है, 10 - 6x - 2x2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। देखो एफ डैश एक्स होगा 10 की जगह 0, -6x का 1 हो जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा, तो -4x - 6 डिफरेंशिएट निकल गया। अब आपको पता है अगर हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब एफ डैश की वैल्यू रख दो आप डायरेक्टली यहाँ पर, -4x - 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 6 को वहां भेज दो, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक्स से यहाँ पर वैल्यू कट करनी है। देखो 2 2 4 और 2 3 जा -2x और ये 3। अब मुझे यहाँ पर x को सिंगल करना है ताकि x की वैल्यू पता लगे, तो -2 से डिवाइड करता हूँ बोथ साइड। जब भी मैं -2 से डिवाइड करूंगा, देखो ये x तो हो जाएगा सिंगल, है ना, ये साइन हो जाएगा चेंज। जब भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है चेंज, तो ये -3/2 भाई, यहाँ पर -2 से डिवाइड किया -3/2 और ये साइन चेंज हो गया। यानी एक्स की वैल्यू जो है वो -3/2 से छोटी है, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, है ना। तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से इंटरवल के लिए, -∞ से -3/2 के लिए। बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, ये तो आ गया। अब आप -3/2 पर भी ये चीज निकाल के देख सकते हो, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, हम -3/2 पर भी निकाल के देखते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो -3/2 पर भी निकाल के देखो। अगर 3/2 पर वैल्यू निकालेंगे हम, जैसे मान लो 3/2 पर निकालो इस वैल्यू को, यहां पर जो है -4 और ये वैल्यू हो गई है -3/2 - 6। 2 से 4 चला गया 2 टाइम, -2 और -3 कितना हो गया, पॉजिटिव का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो रहा है 0। एट 0 मतलब हम 0 पुट कर रहे हैं, मतलब एट 3/-3/2 पुट कर रहे हैं, तो कितना निकल के आ रहा है, मेरे पास 0 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन इक्वल्स टू की कंडीशन में भी कंक्लूड हो जाएगी। समझ में आया। तो जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो साथ में एट डेट वैल्यू भी आप इंक्लूड करके चलना। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी में डिक्रीजिंग की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट में हमारा एफ डैश एक्स कितना आया था, -6 और -4x, है ना। इस बार हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को लेस देन 0 करेंगे। इस बार क्या करेंगे, उसको लेस देन 0 करेंगे। ठीक है भाई, अब ध्यान देना थोड़ा सा आप, लेस देन 0 के अंदर कंडीशन क्या होगी, -6 - 4x - 0, 4 उधर जाएगा, -6/4x, 2 3 2 2। इसको मैं ऐसे लिखूं, x > -3/2, इसका मतलब क्या हुआ देखना, x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर है। एफ इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से इंटरवल के लिए, डिक्रीजिंग इन इंटरवल x की वैल्यू -3/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां देखते हैं हम सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका। एफ एक्स इस बार गिवन है 20 - 9x + 6x2 - x³, है ना। तो पहले यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, एफ डैश एक्स देखो कितना, ये 0 निकला, ये 9 निकला, ये +6 2 12x और ये 3x² -3x² + 12x - 9। कंक्लूड करो उसको थोड़ा सा, -3 कॉमन ले लो, x² - 3 4 12x और +3 3 3 9, है ना। x² + 3 यहां तक क्लियर है ना, कॉमन ले लिया मैंने इसके अंदर से और कुछ नहीं किया है, 4 लेके आना है आपको, है ना। तो -3x - 1x, x - 3 3 - 1, x - 3 x - 1। तो देखना वैल्यू क्या निकाली मैंने, एफ डैश एक्स के लिए -3,
ये वैल्यू हो गई आपके पास एक्स माइनस थ्री, ये वैल्यू हो गई आपके पास एक्स प्लस एक्स माइनस वन। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब अपन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है ना, तो इंटरवल चूज करेंगे। पहले एफ डैश लिख लेता हूं मैं यहां पर सेकंड वाले पार्ट के लिए, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आ जाओ देखो, फर्स्ट हम यहां पर निकालेंगे इंक्रीजिंग के लिए। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है आपके पास, है ना, तो माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है ना, तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी? देखो दो कंडीशन बन जाएगी आपके पास। अब ये वाली जो कंडीशन आ चुकी है, मुझे यहां पर इंटरवल पता करना है, तो इंटरवल कैसे पता करूंगा? अब आप अपनी उस लाइन को याद करो, इस वाली लाइन को, क्या क्या वैल्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर? मुझे यहाँ पर वन दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर थ्री दिखाई दे रहा है। कोई भी एक इंटरवल चूज करके देखो, इसमें से वन और थ्री के बीच वाला चूज कर लो, वन और थ्री के बीच वाला। वन और थ्री के बीच में टू आता है, देखो टू यहाँ रखेंगे तो टू में से थ्री जाएगा तो नेगेटिव की वैल्यू बन के आएगी, टू यहाँ रखेंगे टू में से वन जाएगा पॉजिटिव की वैल्यू बन के आएगी, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो नेक्स्ट नेगेटिव ही होगा और फिर नेक्स्ट नेगेटिव ही होगा। अब मुझे क्या निकालना है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मतलब इसमें वो वैल्यूज रखो, यानी उस इंटरवल की वैल्यूज लिखो कि ग्रेटर देन जीरो हो जाए। क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, यानी कि केवल ये इंटरवल चूज रहेगा मेरे पास, है ना, केवल ये इंटरवल चूज रहेगा वन से लेके थ्री में। तो मैं कह सकता हूं एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल वन से लेके थ्री तक। बताओ समझ में आई ये चीज? क्लियर है यहां पे सभी को? कोई डाउट नहीं है? आगे देखो, डिक्रीजिंग के लिए इफ एफ डैश एज लेस देन जीरो हो जाए आपके पास, है ना, तो माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन ये लेस देन जीरो। ठीक है, यहां पर भी वही कंडीशन, वन और थ्री, वन और थ्री के बीच में वैल्यू उठा के देखो, वन और थ्री के बीच में टू आता है तो यहां पर टू रखा नेगेटिव आया, यहाँ टू रखा पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जो इसमें सेटिस्फाई करती हूँ, इस बार नेगेटिव चाहिए मुझे क्योंकि लेस देन जीरो चाहिए ना, तो इस बार मेरा जो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, दो इंटरवल है इस बार, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन थ्री से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। बताओ समझ में आया क्या? दीज आर टू इंटरवल्स फॉर टू केसेस। ओके, तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 10।